It is festivity all around at the residence of Surya Bhanu Pratap Singh, who won bronze medal in Wushu competition at Asian Games undergoing in Indonesia. Bhanu's parents say their son has worked quite hard, and for them, seeing him on the podium is nothing short of winning a gold medal. बहुत गर्व है अपने बच्चे पे, और ये J&K का पहला बच्चा है जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट दिखाई है, और ये इसने बहुत टफ मेहनत की है, बड़े बेटे बच्चे ने बड़ा स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है इसने, तो ये ब्रॉन्ज मेडल ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि J&K स्टेट के लिए और पूरी कंट्री के लिए इसने अपना नाम इतिहास में लिखाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो उसके बाद बावजूद भी उसने इतना बढ़िया करके दिखाया है, हमारे लिए यही गोल्ड मेडल है। ऐसे लग रहा है कि कोई त्यौहार चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, कोई फ़ोन पे दे रहा है, कोई घर आके दे रहा है, तो जिस दिन आएगा तो उस दिन तो बात ही अलग होगी। काफ़ी लोग हमें पूछ रहे हैं कब आना है, तो हमने बताया कि 27 तारीख को वो आएगा, शायद सब लोग उसको उसके सम्मान के लिए वेलकम के लिए एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से उसे डोल वगैरह साथ होगा, तो काफ़ी उत्साह होगा यहाँ पे, हमें तो बहुत खुशी है। It is a pride moment for India and also for the Jammu and Kashmir, where of late the athletes have started making mark more so of the Jammu region in international events. In my shooter Chan Singh, who is from Doda region, won the silver medal in shooting competition held at Munich. Bhanu's family has planned a great welcome on his arrival, and like them, the entire Jammu is eager to welcome its sporting star. सेलिब्रेट तो बहुत धूमधाम से करेंगे, एयरपोर्ट से ही डोल वगैरह लेके जाएंगे खूब अच्छी तरह से। वैसे तो हमारे घर में कल से ही है एक त्यौहार जैसा मूवमेंट चल रहा है, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये ब्रॉन्ज मेडल नहीं है, हमारे लिए तो ये गोल्ड से भी बढ़ के हैं, तो इसने अपने पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया और इंडिया का भी नाम रोशन हो गया है। ये इसको अभी सहवाग सर ने ट्वीट किया, तो ये देख के वो न्यूज़ पढ़ के इतना गर्व इतना प्राउड महसूस होता है कि वो हमारा बेटा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे भाई ने इतने बड़े स्तर पे एक मेडल लाया, और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ मेडल लाने के लिए लोग 4-4 साल प्रैक्टिस करते हैं, और मेरे भाई ने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि वो नौ महीने से कैंप में था, और वो 9 महीने से खाना थोड़ा थोड़ा खाना खाता था, और घर भी नहीं आया 9 महीने से, 9 महीने में खाली 10 दिन घर आया था वो। बहुत ज़्यादा खुशी है, उसको देख के बहुत खुशी होगी, और पूरी एक हफ्ता पूरी सेलिब्रेशन चलेगी।